प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के अंतिम चरण में भारतवंशियों के बीच पहुंचे हैं। Prime Minister Narendra Modi has arrived at the community reception in the Netherlands. Prime Minister waving to members of the Indian diaspora. Remember, there are around 2,25,000 members of Indian diaspora in the Netherlands, and this is the second largest Indian community in Europe after the UK. So Prime Minister will now be interacting with the Indian community. This is, of course, one of the most awaited engagements of the Prime Minister in any of his foreign visits. साइलेंट फॉर द नेशनल एंथम, कृपया शांत रखिए, दोनों देशों का नेशनल एंथम होगा अभी। आप सब लोग कृपया बैठ जाइए, प्लीज टेक योर सीट्स। दो मिनट का स्वागत डच का नहीं होता है, नहीं सर, हिंदी भी करते हैं। सर माफ कीजिए, सॉरी, प्लीज स्टैंड अप फॉर द डच नेशनल एंथम।
प्लीज टेक योर सीट्स, कृपया आप सब बैठ जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज यहाँ उपस्थित लगभग 3,000 प्रवासी भारतीयों की तरफ से और भारतीय राजदूतावास की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला है यहाँ आने के लिए, हम सब से मिलने के लिए, इसके लिए हम अत्यंत कृतज्ञ हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव वन स्पेशल गेस्ट इन द हॉल दिस इवनिंग, द मेयर ऑफ द सिटी ऑफ हेग। प्लीज वेलकम हर विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सर, जब से आपके नीदरलैंड्स आने का समाचार प्राप्त हुआ, तब से यहाँ के प्रवासी भारतीयों में उत्साह, उमंग और आनंद अभिभूत है। जिस तरह आप देश को उन्नति के शिखरों पर पहुँचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, समर्पित है, उससे यहाँ के प्रवासी भारतीय अत्यंत प्रेरित है। भाइयों बहनों, बहुत कम समय में आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इतने अधिक संख्या में यहाँ आए हुए हैं हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी को स्वागत करने के लिए, उनका संदेश सुनने के लिए। आप सबको मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए, भारत और नीदरलैंड्स की मैत्री बढ़ाने के लिए हम सबको हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। राजदूतावास आपके हर कोशिश में, हर कदम आपके साथ रहेगी। मेरी बातों को समाप्त करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर निमंत्रित करता हूं कि वो ये सभा को संबोधित करें। नीदरलैंड के मेरे प्यारे भारत के प्रवासी भाई और बहनों, मैं यहाँ के मैडम मेयर का, डिप्टी मेयर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरा स्वागत सम्मान किया और स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो गूंज आपके चारों तरफ सुनाई दे रही है, जो उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है, जो लोग भारत में टीवी पर इसे देखते होंगे, उन्हें जरूर आश्चर्य होता होगा कि छोटे से हेग में भी भारतीयों का इतना दम है। खास करके सुरिनाम के जो लोग हैं,
उनका मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत वर्ष पहले मुझे सूरीनाम जाने का सौभाग्य मिला था। पांच जून हर वर्ष सूरीनाम के लोग बड़े गौरव से मनाते हैं। दुनिया में जहां जहां भारतवासी गए हैं, उन सब के लिए ये हमारे सूरीनाम के भाई बहन या उस कालखंड में दुनिया के जिन जिन देशों में मजदूर के रूप में लोगों को ले जाया गया, चाहे मॉरिशस हो, चाहे सूरीनाम हो, गयाना हो, 150 साल हो गए, चार चार पीढ़ियां बीत गई, लेकिन आज भी भारत की भाषा, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, उसको ऐसे उन्होंने बरकरार रखा है। मैं उनको लाख लाख बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमें हमारे उन पूर्वजों को नमन करना चाहिए कि जिन्होंने भारत का किनारा छोड़ने के बाद कभी भारत की ओर देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन अपने साथ जिस भारतीयता को लेके गए, आज चौथी पांचवी पीढ़ी छठवीं पीढ़ी होगी, वैसे ही वैसे परिवार के अंदर उसको बरकरार रखा। वरना आज एक ही पीढ़ी में सब कुछ बदल जाता है, भाषा भी छूट जाती है, और कभी कभी तो माँ बाप गर्व करते हैं कि मेरे बेटे को भारतीय भाषा नहीं आती है। इन चीजों से अपनी जड़ों के साथ जुड़ने से एक ताकत प्राप्त होती है। लोहे का गोला कितना ही ताकतवर क्यों न हो, कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितना ही मजबूत क्यों न हो, लेकिन अगर ढंग से दो बालक भी उसको धक्का मारे तो इधर उधर चला जाएगा। लेकिन पेड़ जिसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हुई है, उसकी ताकत कुछ और होती है, वो न हिला पाया जाता है और वो साया भी देता रहता है। और इसलिए जड़ों से जुड़े रहना और जुड़े रहने के कारण ताकत क्या होती है, ये मेरे सूरीनाम के भाइयों बहनों से सीख सकते हैं। उसी प्रकार से आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने बीबी हिंदुस्तान नहीं देखा होगा। आप में से कई ऐसे होंगे जिनके पहले उनके
दादा परदादा जब हिंदुस्तान छोड़ के आए, वो कहाँ से आए, किस गांव के से, क्या था, रिश्तेदार कौन थे, कुछ पता नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी दिल में हिंदुस्तान आज भी मौजूद है। एक प्रकार से आप जो कुछ भी हैं अपने बलबूते पर हैं, अपने परिश्रम से हैं, अपने सामर्थ्य से हैं, उसके बावजूद भी आपके दिल में हमेशा रहता है कि भारत का जैसे आप पर कोई कर्ज है और मौका मिले तो भारत का ये कर्ज चुकाना है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं हो सकती, भावना नहीं हो सकती। और यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं, एक तो वो हैं जो 150 साल से हिंदुस्तान छोड़ करके निकले हुए लोग वाया सुरिनाम यहाँ पहुँचे हैं, और दूसरे वो हैं जो ताजा ताजा हवाई जहाज में बैठ करके आए हैं। जो अभी अभी आए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं क्या कभी आपने सोचा कि आप अगर 150 साल हिंदुस्तान से कट ऑफ होते तो क्या आपके अंदर वही भारतीयता हिंदुस्तानी का भाव वैसा ही बरकरार होता जैसे सुरिनाम के लोगों का है? और इसलिए मैं चाहूंगा कि यहां पर रहने वाले पासपोर्ट का रंग कोई भी क्यों न हो, पासपोर्ट के रंग बदलने से खून के रिश्ते नहीं बदलते। और मेरी हर हिंदुस्तानी से प्रार्थना है, आग्रह है कि पासपोर्ट के रंग के आधार पर रिश्ते नाते न जोड़ें। पासपोर्ट का रंग कुछ भी क्यों ना हो, उसके और मेरे पूर्वज एक है। जिस धरती की पूजा वो करता है, उस धरती की पूजा मैं करता हूं। उसकी जिंदगी की वो मुसीबत रही कि 150 साल पहले उसे देश छोड़ के जाना पड़ा। मैं भाग्यवान हूं कि मैं अब भी मेरे देश की जड़ों से जुड़ा हुआ हूं। मेरा ज्यादा कर्तव्य बनता है कि मैं सुरिनाम वालों को गले लगाऊं, हम एक बन करके रहे, हम साथ मिलकर के कार्यक्रम करें। अब हमारे बीच में जरा सा भी दूरी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है जो अभी अभी आए हैं उनको शायद हिंदी बोलने में तकलीफ होती होगी, सुरिनाम वालों को नहीं होती है। ये जो ताकत है उसको पहचानिए। पूरे यूरोप में नेदरलैंड वो देश है जहां सेकंड लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा है।
और इसलिए न सिर्फ यूरोप में लेकिन कैरेबियन कंट्रीज में भी हम सब मिलकर के इसे एक ऐसा ऊर्जा भूमि बना सकते हैं हेग को, इन सारे भूभाग के भारतीयों के साथ हमारा नाता जुड़ जाए। और आज तो टेक्नोलॉजी इतनी सरल है कि आप मोबाइल फोन से इन सभी परिवारों से निकट से जुड़ सकते हैं। संगठन में ही तो शक्ति है। और इसलिए, और मैंने देखा आपकी ताकत, मेरा कार्यक्रम तो अभी अचानक बना है, कुछ ज्यादा तैयारी करने का मौका नहीं मिला। पिछले दो चार दिन में ही शायद आपको खबर मिली और इतनी बड़ी मात्रा में आप लोग पहुंच गए। सरकार की तरफ से एम्बेसी होती है, एम्बेसेडर होते हैं, बाबू लोग होते हैं, लेकिन आपको पता है उनको राजदूत कहते हैं। हिंदी भाषा में उन्हें राजदूत कहते हैं, लेकिन यहां आप सब राष्ट्रदूत है। हर हिंदुस्तानी दुनिया के हर कोने में राष्ट्रदूत है। हमारे देश की उन अच्छाइयों से विश्व को परिचित कराना, जब विश्व को पता चलता है कि भारत ऐसा देश है जहां दुनिया के सभी संप्रदाय हैं, दुनिया का कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जिसको भारत में गौरवपूर्ण स्थान न हो, लोगों का आश्चर्य होता है। दुनिया का छोटा से छोटा संप्रदाय भी होगा, पंथ होगा, मानने वाले लोग होंगे, भारत में आपको अवश्य मिलेंगे और गर्व से जीते हैं। दुनिया को जब पता चलता है कि हिंदुस्तान 100 भाषाएं हैं, 100 लैंग्वेजेस, 1700 डायलेक्ट्स, 1700 से करीब ज्यादा बोलियां, लोगों को आश्चर्य होता है। अच्छा, हमें तो यूरोप में देश बदलता, भाषा बदलता हो तो दिक्कत हो जाती है, आप 100 भाषाओं के बीच कैसे जी रहे हो? हमें जोड़ने वाली जो ताकत है वो हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा प्यार है। उस धरती के प्रति त्याग और तपस्या के प्रति, इतिहास के प्रति, संस्कृति के प्रति, परंपराओं के प्रति हमारा लगाव है। और इसलिए कोई भी हिंदुस्तानी दुनिया में गर्व के साथ खड़ा हो सकता है कि मेरा देश विविधताओं से भरा हुआ है। विश्व में जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं आप मेरे देश में स्वाभाविक रूप से कर सकते हो। देश की विशालता जब दुनिया के लीडर से मैं मिलता हूं और मैं 125 करोड़ देशवासियों का सरकार का प्रधानमंत्री हूं तो मेरे सामने देखते रहते हैं, उनको लगता है हम छोटे से देश को चलाने में हमारी इतनी दिक्कत होती है, आप कैसे चलाते हो?
मैं उनको कहता हूं कि आप लोग देश यहां आप चलाते हैं, मेरे यहां 125 करोड़ देशवासी देश चलाते हैं। लोकतंत्र की यही ताकत है। भारत के अंदर विशेष रूप से जब से मुझे सरकार में सेवा करने का मौका मिला है, हमने एक सबसे बड़ा प्रयास ये किया है कि जन भागीदारी से देश के हर काम में जन भागीदारी को प्राथमिकता देना। सब कुछ सरकार करेगी, सारी समस्याओं का समाधान सरकार के पास ही है। भगवान ने बुद्धि बांटने निकले तो सारे सरकार वालों को ही बुद्धि मिली थी। ये सोच से हम बाहर निकल आ चुके हैं और हमारी कोशिश ये है कि जन भागीदारी से देश कई गुना प्रगति कर सकता है, तेज गति से प्रगति कर सकता है। अगर सरकार तय करते हम टॉयलेट बनाएंगे, खुले में शौच जाना बंद करवाएंगे, स्कूलों में बच्चियों के लिए शौचालय बनाएंगे, ये कार्यक्रम तो पहले भी चलते थे लेकिन वो कार्यक्रम सरकार चलाती थी। हमने आकर के कहा लोग इसको उठा लें, और आपको जानकर के खुशी होगी कि स्कूलों के अंदर एक साल के भीतर भीतर बालिकाओं के लिए अलग शौचालय बनाने का काम, बालकों के लिए अलग शौचालय बनाने का काम लोगों ने पूरा कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि नई जो सरकार बनी है आज देश में, जिसने अपने हर काम में लोक भागीदारी, जन भागीदारी को प्राथमिकता दी है। वरना पहले क्या होता था, लोकतंत्र का मतलब बहुत सीधा साधा हो गया था। डेमोक्रेसी मतलब 5 साल में एक बार जाना, ईवीएम मशीन का बटन दबाना और जो पसंद आए उसको जिता देना और उसको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे देना, देखो 5 साल तुमको बिठाया है, ये हमारे 10 काम कर देना, नहीं करता है तो छुट्टी, जाओ। दूसरा, ये लोकतंत्र की मर्यादा नहीं है, ये तो लोकतंत्र का एक सीमित भाग है कि जिसमें जन वोट देता है, सरकार चुनती है, लेकिन सरकार चलती है जन भागीदारी से। हमारे यहां कभी कोई नेचुरल कैलिमिटी आ जाए तो हम सब ने अनुभव किया है कि सरकारी तंत्र की ताकत बहुत छोटी पड़ जाती है, लेकिन लोग, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं ऐसे फूड पैकेट, डिकना फलाना लेकर के निकल पड़ते हैं, नेचुरल कैलिमिटी में हर किसी की मदद तुरंत पहुंच जाती है। क्यों? जनशक्ति का सामर्थ्य है। इस सरकार की कोशिश है कि हर काम में जन भागीदारी। भारत का संघीय ढांचा है, राज्य केंद्र कंधे से कंधा मिलाकर के कैसे काम करें। इन ट्रू स्पिरिट फेडरल स्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा मिले, उस पर इस सरकार ने बल दिया है। गुड गवर्नेंस, मैं मानता हूं कि डेवलपमेंट प्लस गुड गवर्नेंस तभी जाकर के जनता जनार्दन के एस्पिरेशंस पूरे होते हैं। सिर्फ डेवलपमेंट से एस्पिरेशंस पूरे नहीं होते हैं, सिर्फ गुड गवर्नेंस से भी नहीं होते हैं, डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तब
जन सामान्य को समाधान होता है। बस अड्डा बनाऊं, बस स्टेशन अच्छा बनाऊं, वो डेवलपमेंट हुआ, लेकिन बस समय पर आए, बस में साफ सफाई हो, ड्राइवर कंडक्टर का व्यवहार ठीक हो, ये गुड गवर्नेंस होता है। तब सामान्य व्यक्ति को संतोष मिलता है, उसको समाधान मिलता है। हाँ, मैं ये मेरी सरकार, ये मेरा देश है, ये मेरी संपत्ति है। इस सरकार का लगातार भाव यही है कि जन भागीदारी को बल मिले, जन शक्ति को बल मिले, और जन शक्ति के भरोसे देश को आगे बढ़ाने का प्रयास हो, और ये अनुभव आ रहा है। देश की जनता जनार्दन को जिस काम पे जुड़ने के लिए, आपने देखा होगा, दो साल पहले जब हमारी सरकार बनी तो टीवी पर एक ही खबर आती रहती थी कि दाल महंगी है, दाल महंगी है, मोदी बताओ दाल के दाम क्यों कम नहीं हो रहे। जहां भी जाओ बस यही बात है। अब दाल के भाव इतने कम हो गए कोई पूछता ही नहीं है। कैसे हो गया? लेकिन देश के किसानों से मैंने प्रार्थना की कि आप पल्सिस की खेती को भी बल दीजिए, और पल्सिस की खेती के लिए एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ता है, फसल के बीज के अंदर उसको बोया जा सकता है, एक्स्ट्रा इनकम होती है, और मेरे देश के किसानों ने वो करके दिखाया है। विपुल मात्रा में पल्सिस का उत्पादन किया तो आज थाली सस्ती हो गई। मध्यम वर्ग के परिवार में पल्सिस अगर ज़्यादा खाता है तो प्रोटीन भी ज़्यादा मिलता है, तो शरीर की शक्ति भी बढ़ती है, शरीर की काफी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकारी प्रयत्नों से ज्यादा जन सामान्य का सामर्थ्य ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भारत में बाहर ऐसी धारणा है कि भारत में महिलाएं तो हाउसवाइफ है, कुछ करना धरना नहीं, सिर्फ किचन में ही होती हैं। ये बाहर एक कल्पना है, सत्य अलग है। आज भी हिंदुस्तान का पशुपालन, डेयरी, मिल्क, ये पूरा क्षेत्र एक प्रकार से भारत में महिलाएं ही संभालती हैं, पुरुष का बहुत कम योगदान है। कृषि में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी होती है, वे फिजिकली कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन हमारी सामाजिक रचना ऐसी है कि उसको रुपये पैसे तराजू में तोला नहीं जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत की आर्थिक विकास की यात्रा में महिलाओं की भूमिका नहीं है, महिलाओं की भूमिका है, महिलाओं में पोटेंशियल भी है, और इसलिए हमारी सरकार ने 50% जो जनसंख्या है उसको भारत की विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा बनाने की दिशा में बीड़ा उठाया है। एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, और इतना ही नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट, हमने जब प्रधानमंत्री जनधन योजना का अभियान चलाया बैंक के खाते खोलने का, हमारे देश में 40% लोग ऐसे थे जो कभी बैंक के दरवाजे नहीं गए थे। फॉर्मल इकोनॉमी से बाहर थे, हमने अभियान चलाया, और खुशी की बात है
कि जब बैंक अकाउंट खोले गए तो उसमें ज्यादातर महिलाओं के बैंक अकाउंट खोले। महिलाओं को लगने लगा हाँ मैं भी कुछ आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा हूं। अभी हमने एक योजना बनाई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना से हमने एंटरप्रेन्योरशिप को बल मिले। हमारे देश का नौजवान जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बने, वो जॉब देने वाला बने। छोटे छोटे काम करते भी लोग जॉब एक को नौकरी रख सकते हैं, दो को रख सकते हैं, काम दे सकते हैं। और इसलिए छोटे छोटे कारोबार को मदद करने की दिशा में हमने बड़ा अभियान उठाया मुद्रा योजना। और मुद्रा योजना ऐसी है कि किसी भी प्रकार की गारंटी दिए बिना नागरिक को अगर वो बैंक में आता है अपने सारी जानकारियां देता है तो 50,000 रुपया से लेकर के 10 लाख रुपये तक उसको लोन मिलती है। करीब 7 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठाया, 7 करोड़ लोगों ने। और करीब 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रकम इन लोगों को मिली। किसी को 50,000, किसी को 55,000, किसी को 80,000, किसी को लाख। और आपको जानकर के खुशी होगी कि ये मुद्रा योजना का लाभ लेने वाले में 70% महिलाएं हैं, 70% महिलाएं। विमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा, विमेन लेड डेवलपमेंट कैसे होगा, ये उससे नजर आता है। आज भी दुनिया के फॉरवर्ड कहे जाने वाले देशों में मैटरनिटी लीव एवरेज 12 वीक है। डेवलप कंट्रीज में भी वर्किंग वुमेन के लिए मैटरनिटी लीव 12 वीक है। भारत एक ऐसा देश है जिसने इसी पार्लियामेंट में कानून बनाया और अब वर्किंग वुमेन को 26 वीक का मैटरनिटी लीव दिया जाता है। छह महीने। और वो इसलिए हम भारत के भविष्य की ओर देखते हैं। अभी तो ऐसा लगेगा अच्छा ये 6 महीना नौकरी नहीं करेगी पगार खाएगी, किसी को लगता होगा। लेकिन वो 6 महीने उस बालक की परवरिश करती है जो मेरे देश के आने वाले कल है। ये इन्वेस्टमेंट है, यानी 26 सप्ताह एक वर्किंग वुमेन को नौकरी से छुट्टी देना, पगार चालू रखना। शुरू में तो लगता है काम कौन करेगा, शुरू में तो लगता है मुफ्त का पैसा देना, लेकिन लंबी दूर देखते हैं तो पता चलता है कि उसकी गोद में जो बालक है उसका माँ के गोद में ऐसा लालन पालन होगा, 6 महीने का उसका बेस इतना मजबूत होगा कि मेरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, मेरा भविष्य मजबूत हो जाएगा। इस दिशा में काम करते हैं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान ओबामा 26 जनवरी को प्रजासत्ताक पर्व के लिए भारत आए थे, अब जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उनको तो फौज की तीनों पंख
आर्मी नेवी एयरफोर्स सब महिला पुलिस हमारे फौज के तीनों विंग की महिलाएं उनको दे रही थी कमान और उनका पूरा संचालन भी एक महिला कर रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने मंच पर से उतर से मुझे कहा मोदी जी बड़ा अचरज है भाई, ये है हिंदुस्तान में। मैंने कहा अभी तो आज शुरुआत है, मैंने कहा कल देखना। और जब 26 जनवरी की परेड हुई तो सारी दुनिया के लिए मुख्य खबर थी कि उस परेड का नेतृत्व तो महिलाएं कर रही थी, परेड के अंदर जो दस्ते चल रहे थे वो महिलाओं के चल रहे थे, सुरक्षा के क्षेत्र में भी मेरे देश की महिलाएं बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है। दिल्ली में अगर आप जाएं या देश के अन्य कई राज्य हैं जाएंगे जहां पर पुलिस में 33% महिला पुलिस को लिए रिजर्व किया गया है और सुरक्षा की जिम्मेवारी भी ये एम्पावर्ड महिलाएं हमारी करेगी, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा फाइटर विमान उड़ा रही हमारी महिलाएं बहनें, फाइटर प्लेन का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में, दुनिया के अंदर चर्चा है। आज भारत स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में अंतरिक्ष में पूरे विश्व में उसने अपना बड़ा नाम कमाया है। अभी पिछले सप्ताह एक साथ 30 नैनो सैटेलाइट छोड़ने का काम सफलतापूर्वक हमारे यहां हुआ। इसके पहले हमारे साइंटिस्टों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने का काम हिंदुस्तान के स्पेस साइंस ने किया। पिछले महीने सबसे भारी वजन का सैटेलाइट छोड़ा गया और वजन कितना तो अखबार वालों ने लिखा, इतने इतने हाथी जीतना, यानी हाथी के वजन के बराबर लिखा गया। आपको जानकर के खुशी होगी इस पूरी स्पेस की दुनिया में काम करने में 3 प्रमुख वैज्ञानिक महिलाएं हैं जो इस काम को कर रही हैं। क्यों गर्व नहीं होगा? मेरे देश की माताओं बहनों की यह शक्ति किसको गर्व नहीं होगा, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, आरोग्य का क्षेत्र हो। आजकल तो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में अगर टीचर कॉन्फ्रेंस करें तो आपको एक जगह पे बोर्ड लगाना पड़ेगा कि ये कोना पुरुष टीचर के लिए रिजर्व है। पूरा शिक्षा क्षेत्र का काम आज मेरे देश में माताएं बहने संभाल रही, हेल्थ सेक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल, कहीं पर भी जाइए आपको नजर आएगा कि महिलाएं उस काम को कर रही है। कहने का तात्पर्य यही है कि महिला शक्ति और खेलकूद में ओलंपिक में कौन मेडल ले आया, सारे मेडल लाने वाली हमारी बेटियां थी। हर किसी ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। इतना ही नहीं, शारीरिक रूप से जिनको तकलीफ है पैरा ओलंपिक उसमें भी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को ऊपर करने का काम हमारी महिला खिलाड़ियों ने किया है। एक ऐसी सरकार है दिल्ली में
जिसके दिलो दिमाग में भारत के विकास की यात्रा में भारत की 50% जनसंख्या, वो ताकतवर कैसे बने, एम्पावरमेंट कैसे हो, विमेन लेड डेवलपमेंट कैसे हो, भारत की आर्थिक विकास की यात्रा के अंदर उसकी इक्वल पार्टनरशिप कैसे हो, एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं और जिसका परिणाम है कि आज मेरे देश की नारी शक्ति भारत के झंडे को ऊंचा कर उठाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर रही है। देश आगे तो बढ़ना चाहिए, पहले है उसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन वक्त ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। जिस गति से हम यहां तक पहुंचे हैं उस गति से आगे जाना उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में है। और इसलिए गति को तेज करना अनिवार्य हो गया है। पहले सरकारें हुआ करती थी, एक आध दो काम ऐसे हो जाते थे, वो सरकार जानी जाती थी इस काम के लिए। आज हर दिन एक नया काम करो तो भी कम पड़ जाता है, इतने एस्पिरेशंस बढ़ गए हैं। और देश को सिर्फ आगे ले जाना इतना इनअप नहीं है, देश को आधुनिक बनाना बहुत जरूरी है। हमें आगे तो बढ़ना है लेकिन हमें आधुनिक भी बनना है। 21वीं सदी का हिंदुस्तान ग्लोबल बेंचमार्क में पीछे न रह जाए, विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पीछे न रह जाए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल बेंचमार्क के अनुकूल हो और विश्व की बराबरी करने का सामर्थ्य हिंदुस्तान में होना चाहिए, इस भूमिका से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हेल्थ कॉन्शियसनेस का माहौल है, एनवायरनमेंट की चिंता है, हर किसी को लगता है भाई सांस ले तो अच्छी सांस मिले, पानी पिए तो अच्छा मिले, खाना खाए तो अच्छा मिले, बहुत स्वाभाविक कॉन्शियसनेस आया है। भारत ने बीड़ा उठाया है ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी 175 गीगावाट। आप में से बहुत लोग होंगे जिनके लिए गीगावाट शब्द नया होगा, क्योंकि सदियों से हम मेगावाट से आगे सोचा ही नहीं। मेगावाट यानी हमारा अल्टीमेट था, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा लक्ष्य है। सोलार एनर्जी हमारे देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं में कैसे रोल करे, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, एक बहुत बड़ा बदलाव जो एनवायरनमेंट को पॉजिटिव इंपैक्ट पैदा करे, उस दिशा में तेज गति से काम आगे बढ़ रहा है। और आज स्थिति ऐसी है कि कोयले से उत्पादन होने वाली बिजली से सोलार एनर्जी सस्ती हो जाए, यहां तक स्पर्धा आगे बढ़ी है। आप भविष्य कल्पना कर सकते हैं, अगर पूरी व्यवस्था सोलार एनर्जी द्वारा चलती होगी तो इकोनॉमी में कितना बड़ा बदलाव आएगा। देश को आज खाड़ी के देशों से जो तेल आयात करना पड़ता है उस आयात में कितनी बड़ी कटौती आएगी, देश कितना आत्मनिर्भर बनेगा। और उस लिए जो सूर्य शक्ति, ये सूरज
मैं प्रधानमंत्री बना उसके बाद आया क्या? पहले था कि नहीं था? था कि नहीं था? मुझे दिखता था, उनको नहीं दिखता था। और इसलिए पूरा जीवन को आधुनिक बनाने की दिशा में ये हमारी पहल है, डिजिटल इंडिया। जब मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं शुरू से मैं सीखना चाहता था, समझना भी चाहता था कि आखिर ये है क्या सारा, इतना बड़ा काम। तो मैं अफसरों की मीटिंग लेता था, ब्रीफिंग लेता था, क्या चल रहा है कैसा नहीं। तो एक दिन बिजली वालों का ब्रीफिंग ले रहा था तो उन्होंने कहा साहब, मैंने पूछा भाई कोई जगह है जहाँ अभी भी बिजली नहीं पहुँची होगी, क्योंकि आज़ादी के 70 साल हो गए तो ऐसा पूछना ही नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा डरते डरते पूछ लिया कि भाई कहीं कोई ऐसा तो नहीं है ना कहीं दूर भी बिजली पर। तो मैं हैरान हो गया, उन्होंने कहा साहब 18,000 गांव ऐसे हैं जहां अभी बिजली नहीं पहुंची है। आप मुझे बताइए 21वीं सदी और 18वीं शताब्दी में फर्क क्या? 18वीं शताब्दी में भी तो लोग बिना बिजली को सूरज के प्रकाश में या चंद्रमा की रोशनी में जिंदगी का गुजारा करते थे। आज़ादी के 70 साल के बाद मेरे देश में 18,000 गांव 18वीं शताब्दी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। आधुनिक भारत का सपना मुझे पूरा करना था, मैंने बीड़ा उठाया। मैंने कहा भाई बताइए कब तक होगा? उन्होंने कहा साहब 7 साल तो लगेगा। उनकी ये हिम्मत ही मेरे लिए हैरानगी थी। आराम से कह दिया सर 7 साल लगेगा। मैंने कहा भाई जल्दी करना चाहिए, ऐसा क्यों करते हो, क्यों सोचते हो, जरा समझा रहा था। आखिरकार एक दिन मैंने लाल किले पर से 15 अगस्त को बोल दिया 1,000 दिन के अंदर हम 18,000 गांव में बिजली पहुंचा देंगे। अभी 1,000 दिन हुए नहीं, करीब 13-14 हजार गांवों में बिजली पहुंच गई भाइयों बहनों, क्योंकि मुझे आधुनिक भारत बनाना। और बाकी जो गांव बाकी हैं उसका काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। भारत में 2.5 लाख पंचायतें हैं, 6 लाख गांव हैं पंचायतें हैं। आप मुझे बताइए क्या आप एक घंटा भी मोबाइल के बिना जी सकते हो क्या? जी सकते हो क्या? परेशानी हो जाती है ना। अगर ये हक आपको है तो हिंदुस्तान के हर गरीब को है कि नहीं है? गांव को है कि नहीं है? भाइयों बहनों, हमने डिजिटल इंडिया का मिशन उठाया है उन 2.5 लाख पंचायतें जहां पर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम चल रहा है, तेज गति से काम चल रहा है, और आने वाले कुछ ही समय में इन 2.5 लाख गांवों तक डिजिटल व्यवस्था करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क खड़ा कर करके आधुनिक से आधुनिक व्यवस्था ट्रांसमिशन की, और उसके कारण लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन संभव होगा, टेली मेडिसिन संभव होगा, जो सुविधाएं शहर में उपलब्ध है वो ज्ञान की सुविधाएं गांव को भी उपलब्ध हो, उस दिशा में काम करने की दिशा में हम प्रयास करते हैं। यानी भारत आगे बढ़े लेकिन भारत आधुनिक बने, उन चीजों को बल देकर के हम काम कर रहे हैं और उस काम की दिशा में प्रयास चल रहा है। भाइयों बहनों, अनेक बातें हैं, आप जरूर भारत के लिए रुचि रखते होंगे, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं
इतनी बड़ी संख्या में नेदरलैंड में आप लोग रहते हैं, सूरीनाम से आए हैं, डच सिटीजन है, क्या क्या तकलीफ है आपको ओसीआई कार्ड निकालने में? आपका मन नहीं करता है कि ये नाता जोड़ना चाहिए? मैं हैरान हो गया जब मैंने सुना कि हाँ, इतनी बड़ा मात्रा में हिंदुस्तान का डायस्पोरा है, लेकिन सिर्फ 10% लोग हैं जिनका ओसीआई कार्ड है। आप मुझे बताइए, इस 26 जनवरी के पहले मिशन मोड में आप इस काम को पूरा करेंगे? करना चाहिए। मैं यहाँ के एम्बेसी को भी कहता हूं, देखिए ये ओसीआई कार्ड ये आपका और हिंदुस्तान के साथ सदियों पुराने नाते का एक लिंक है, नाड़ दोस्तों, इसको भूलना नहीं चाहिए। और उसको रुपये पैसों के तराजू से तोलना नहीं चाहिए। जो भी देना पड़े देकर के भी ओसीआई कार्ड मेरे लिए। मैं कल 2 दिन पहले पुर्तगाल में था, वहां के प्रधानमंत्री पब्लिकली अपना ओसीआई कार्ड दिखा रहे थे, बोले मुझे गर्व है कि मेरे पास ओसीआई कार्ड है, मैं मूल भारतीय हूं और मैं आज यहां प्रधानमंत्री हूं। पब्लिक में उन्होंने दिखाया। हर हिंदुस्तानी के मन में स्पिरिट होना चाहिए, मैं हूं, मेरे पास उसे है। कोई भी मिले, अच्छा तेरे पर नहीं है, हट तेरी। ये भाव बनना चाहिए। और मैं चाहूंगा और मैं पूछूंगा हमारे एम्बेसी को, अब नए एम्बेसडर आए हैं, और मैं तो ये पूछूंगा पर्डे कितने बने, और मैं आपसे चाहूंगा आप मदद कीजिए, क्योंकि ये काम हमारा पूरा होना चाहिए। देखिए 2000 जो डच पासपोर्ट वाले हैं, 2015 से उनके लिए भारत में ई वीजा की व्यवस्था हो चुकी है, इसका लाभ आप लोग लेते होंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं, डच नागरिकों के लिए आने वाले दिनों में 5 साल का बिजनेस वीजा देने की दिशा में भी भारत सरकार सोच रही है। पांच साल का बिजनेस एवं टूरिस्ट वीजा ये अपने आप में डच नागरिकों को भारत के साथ जोड़ने का एक अहम प्रयास है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग भारत के साथ जुड़ने के अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखिए। आपने देश के साथ मन मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं, परंपरा से जुड़े हुए हैं। भारत की अच्छी बात सुनते ही आपको हर्षोल्लास हो जाता है, इतना भारतमय आपका जीवन है, उसको निकट बनाने का और प्रयास करते रहिए। आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं क्या? पक्का आप चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपके जेब में हो? क्यों आप चुप हो गए? क्या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपके जेब में हो तो बुरा है क्या? आप नहीं चाहते भाई, आप गर्व से, अरे थोड़ा यार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मेरे जेब में है, नहीं चाहते क्या? मैं बताता हूं तरीका है उसका। आप अपने मोबाइल फोन पर नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड कर दीजिए,
मैं 24 घंटे आपकी जेब में उपलब्ध रहूंगा और आपकी हर धड़कन को मैं सुन पाऊंगा। आइए, मेरा और आपका निकट का नाता बनना चाहिए, आपका मुझ पर पूरे पूरा अधिकार है। आपके पासपोर्ट के रंग के आधार पर तो नहीं होगा, आप जिसके दिल से आवाज उठती है भारत माता की जय, उन सब के लिए मेरा जीवन समर्पित है। इसी भावना के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इतने कम समय के होने के बावजूद भी आए, मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।